हर जिक्र में हम आज आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पिछले दो जुमे आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन हम आपके लिए वो इंतजाम वो तैयारी नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए थी, और आज भी जो इंतजाम किया वो नामुकम्मल है। हम इंतजाम नहीं कर सके। हमें चाहिए था कि हम आपके लिए शामियाना लगवाते, गर्मी है धूप है, लेकिन हम नहीं कर सके। अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों के लिए कि मेरे महबूब के वो गुलाम आ रहे हैं जो मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। तो मेरे महबूब का साया नहीं था तो आज मेरे बंदों का भी साया नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने आपके लिए शामियाना भी लगा दिया और गर्मी भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। इसी से अंदाजा लगा लो कि दुरूद में कितनी ताकत है। बारूद दुनिया को जला सकती है, लेकिन दुरूद ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकती है। बैठे रहो भाई, जोश में आने की जरूरत नहीं, बैठे रहो आराम से। अब हम इस वक्त ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को, आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो, सुना है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं, हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ये बताओ क्या उस दौर पे वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे इल्म आता गया, जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे अक्ल आती गई, जैसे जैसे अंबिया और मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई और लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अब मुसलमानों से, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गान दीन ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से दावतें, उम्मते इजाबत तो तुम सब हो, उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो, हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलत फहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं
नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें कयादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं, हम तो वो है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती गाँठने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें कयादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है, हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफर में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, है? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को तैयार हैं। दावत इस्लाम, जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। हवा भी चल गई, ऐसा गया। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया इसमें, और हम लोग क्या है, चूटियों सी हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही हैं आसपास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही है, दुनिया से लुत्फंदोज हो रही है। लेकिन जो चूटियां लालच में आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो उस शहद में डूबकर मर जाती हैं, फना हो जाती हैं। तो दुनिया, दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया के बाद जो दुनिया है उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है, और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे।